कोरोना को हराकर सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो आज शाम चार्टर्ड विमान से रांची लौट रहे हैं। वो चेन्नई से पूरे 237 दिन बाद रांची लौटेंगे। इससे पहले वो 22 दिन रांची के रिम्स और मेडिका में भी भर्ती रहे। दिल्ली से उनका चार्टर्ड विमान आज सुबह रांची पहुंचेगा। रांची से रिम्स के डॉक्टर की टीम को लेकर विमान उड़ान भरेगा। वहां रिम्स के डॉक्टर शिक्षा मंत्री के स्वास्थ्य की जांच करेंगे और फिर शाम में जगन्नाथ महतो को लेकर रिम्स के डॉक्टर वापस लौटेंगे। तो रिम्स के दो चिकित्सक जगन्नाथ महतो को लाने के लिए रांची से चार्टर्ड विमान से चेन्नई रवाना हो रहे हैं और चेन्नई रवाना होने से ठीक पहले रांची एयरपोर्ट पर उन दो डॉक्टरों में से एक से हमारे सहयोगी अंजनी ने बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने ये आपको सुनाते हैं। डॉक्टर हैं डॉक्टर अजीत डुंगडुंग और डॉक्टर पीके भट्टाचार्य, ये लोग चेन्नई जा रहे हैं और आज राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को रांची लेकर आएंगे, तो इनकी भी अलग तैयारी है सर। क्या दिशा निर्देश मिला है और क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले वहाँ जाने के बाद मंत्री महोदय का एग्जामिन करेंगे हम लोग, और उसके उपरांत मैं अपने सीनियर को इन्फॉर्म करूँगा कि कैसे हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है। उसके बाद हम लोग सब कुछ ठीक रहा तो मैं उनको संभवतः आज ही लेके आना हम लोग का यही प्रोग्राम है। सर आप लोगों की और क्या तैयारी है, मतलब जगन्नाथ महतो को लेकर आना है उसके लिए और विशेष क्या तैयारी आप लोगों की? हम लोगों ने जितने भी एसेंशियल ड्रग्स हैं, जितने भी जो जरूरत के सामान होते हैं सारे हम लोग अपने पास लेके जा रहे हैं, और सारी हमारी तरफ से सारी तैयारियां बहुत अच्छी हैं। आप एक्सपर्ट भी हैं तो क्या कहेंगे ऐसे समय में, क्या बातें वहाँ गौर करेंगे? नहीं, ट्रांसपोर्ट का एक अपना, कोई भी मरीज जब कोई बीमारी से ठीक होता है तो ट्रांसपोर्ट करने के कुछ बिंदुओं होते हैं जिनको हम देखते हैं कि इनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं सेफली, तो उन चीज़ों को हम वहाँ पे जाके एवेलुएट करेंगे, मंत्री जी को देखेंगे, देख करके एवेलुएट करेंगे, और अगर सारे बिंदुओं पर सही निकले तो खरे उतरे तो ऐसे तो मुझे लग रहा है कि सब कुछ सही है। कल मेरी बात हुई थी फ़ोन से, उनसे ही बात हुई, उनके लड़के से ही बात हुई, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको अभी ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिससे कि हमको यहाँ लाने में तकलीफ़ हो। मानसिक रूप से तैयार हैं खुद ट्रैवल करने के लिए, तो ये है चार पांच इम्पोर्टेंट चीज़ हैं जिनको हम वो करेंगे। तो ये देखिए यहाँ रांची से अब ये लोग उड़ान भरेंगे चेन्नई के लिए, तो सभी पूरे झारखंड वासियों को इंतज़ार है क्योंकि 237 दिनों से जगन्नाथ महतो जो है वो इलाजरत है। ऐसे वो लगभग दो महीना पहले ही वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए थे, लेकिन डॉक्टरों ने कहा था कि यहाँ थोड़ा आराम करें और जब पूरी स्थिति अच्छी हो जाएगी तब वो जाएंगे। तो आज हमारे रांची से रिम्स से दो डॉक्टर जा रहे हैं और वहाँ तमाम चीज़ों की एग्जामिन करेंगे, उसके बाद वहाँ से लेकर आएंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन अविदास के साथ अंजनी कुमार रांची। हमारे सहयोगी अंजनी रांची एयरपोर्ट पर मौजूद है, सीधे उनका रुख करेंगे और जानेंगे कि 9 बजे का समय था विमान को यहाँ राजधानी से डॉक्टर्स को लेकर चेन्नई के लिए रवाना होने के लिए, तो क्या ताज़ा जानकारी मिल रही है अंजनी? देखिए दीपक, जिस तरह से रांची से दो सदस्यीय सीनियर डॉक्टर्स जो हैं वो चेन्नई के लिए रवाना हो रहे हैं, अब बस कुछ ही देर के बाद वो रवाना हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जगन्नाथ महतो लगभग 237 दिनों से वो MGM मतलब चेन्नई में इलाजरत थे, तो अब उनकी स्थिति अच्छी हो गई है। और ये जो दो सीनियर डॉक्टर डॉक्टर पीके भट्टाचार्य और डॉक्टर अजीत डुंगडुंग यहाँ से जो गए हैं अपनी पूरी तैयारी के साथ गए हैं, और जब उन लोगों से बातचीत हुई थी डॉक्टर पीके भट्टाचार्य ने ये जरूर बताया कि कल उनसे फोन में भी बातचीत हुई है जगन्नाथ महतो जी से, और पूरी तरह से स्वस्थ दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर के अपने मापदंड होते हैं, वहाँ वो जाएंगे और पूरी तरह से उनका एक चेकअप करेंगे और जो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो क्या है
और पूरी स्थिति को देखेंगे। उसके बाद शाम लगभग 7:15 पर चार्टर्ड प्लेन से वापस रांची वो लोग लौटेंगे जगन्नाथ महतो को लेकर। तो अब वो लोग यहाँ से रांची से जब वहाँ पहुँचेंगे वहाँ पूरी तरह से तहकीकात करेंगे, पूरी तरह से देखेंगे और वहाँ के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनसे बातचीत करके एक समन्वय बैठाकर तब वो वहाँ से रवाना होंगे। तो ये रांची के लिए, पूरे झारखंड के लिए एक अच्छी खबर है कि जगन्नाथ महतो जो काफ़ी दिनों से इलाजरत थे और अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तो अब उनकी वापसी का पूरा झारखंड जो है इंतजार कर रहा है। और जब उनकी तबीयत बिगड़ी थी तब सभी लोग जो है परेशान थे, शहर को यही दुआ कर रहा था कि जल्दी से ठीक हो जाए। देखिए पूरे भारत में हम देखेंगे तो लंग्स ट्रांसप्लांट जो है मात्र 2 लोगों का हुआ है, एक दूसरे जो व्यक्ति हैं वो जगन्नाथ महतो हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को देखते हुए अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और अब उन्हें आने का इंतज़ार हो रहा है। तो यहाँ से डॉक्टर्स की जो 2 सदस्यीय टीम है वो रांची से रवाना होने वाली है थोड़ी देर में। तो यही अपडेट है दीपक। तो डॉक्टरों की 2 सदस्यीय टीम रवाना होगी, वहाँ जांच पड़ताल की जाएगी और फिर वापस लौटने को लेकर जो तय कार्यक्रम है उसके बारे में क्या अपडेट है अंजनी? देखिए जिस तरह से डॉक्टरों ने बताया कि वहाँ जब पूरी तरह से वो मतलब एक संतुष्ट हो जाएंगे उसके बाद जो है आज शाम 7 बजे के करीब जो है रांची वो लोग लौटेंगे चार्टर्ड प्लेन से जगन्नाथ महतो को लेकर। तो शाम का इंतज़ार होगा। रांची का जो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है वहाँ आज जो मीडिया कर्मियों की और उनके जो परिजन हैं उनकी ज़रूर वहाँ मौजूदगी होगी। तो सभी लोगों का इंतज़ार है। और जिस तरह से डॉक्टर पीके भट्टाचार्य ने बताया कि फ़ोन में जो बातचीत हुई है वो उनसे बातचीत के क्रम में ये इन्हें जरूर लगा कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, लेकिन फिर भी लाने के पहले जो क्राइटेरिया है अपने तरफ से ये लोग पूरी तरह से एक जांच करेंगे और अपने साथ तमाम तैयारियों के साथ ये लोग रवाना हो रहे हैं। तो एक बड़ी खबर है आज की कि जगन्नाथ महतो जो पिछले 237 दिनों से वहाँ चेन्नई में इलाजरत थे बिल्कुल वो आज रांची पहुंच जाएंगे। शाम की तैयारी हो चुकी, वहां से रवाना होंगे और संभवतः 8 बजे तक रांची एयरपोर्ट पर जगन्नाथ महतो को लेकर चार्टर्ड प्लेन पहुंच जाएगा। अंजनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल इन तमाम अपडेट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।